वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा देव। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी पेपर की हेल्प से किस तरीके से ऑक्टोपस बनाया जाता है। तो प्लीज मेरे वीडियो को देखते रहिए, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आज हम पेपर की हेल्प से क्या बनाने वाले हैं, ऑक्टोपस बनाने वाले हैं। इसके लिए मुझे एक प्लेन पेपर चाहिए होगा और ऑक्टोपस की जो लेग्स हैं उसके लिए मैंने ब्लैक पेपर से इस तरीके से कट कर दिया है, ये देखिए। चलिए सबसे पहले मैं एक शेप ड्रॉ करूंगी। ये देखिए, ये मेरा ऑक्टोपस का हेड पूरी तरह से रेडी हो चुका है। अब मैं ग्लू की हेल्प से इसमें इसकी लेग्स को लगाऊंगी। बट उससे पहले मैं इसमें क्या करूंगी, इस तरीके से आपको ये जो ब्लैक कलर की जो मैंने स्ट्रिप्स कट की हैं, इस तरीके से फोल्ड करके थोड़ा सा इसको इस तरीके से घुमा देंगे। देखिए, आप जितनी ज्यादा लेग्स आपने ऑक्टोपस पे लगाना चाहते हैं आप उतनी ज्यादा इनको इस तरीके से कर दीजिए। ये तरीके से इसको मैं पेस्ट करने वाली हूँ। ये देखिए, ये मेरा ऑक्टोपस रेडी है। आप इसको अलग अलग कलर्स में भी बना सकते हैं। देखिए, ये बच्चों की बहुत इजी क्राफ्ट है और आप इसको क्लास में भी करा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब मैं पेपर की हेल्प से आपको इस तरीके से एक और ऑक्टोपस बनाना सिखाती हूँ। तो चलिए देखिए वीडियो। इसमें आप कोई भी अपनी पसंद का पेपर ले सकते हैं। ये मैंने पिंक कलर का एक छोटा सा एक रेक्टेंगुलर शेप में पेपर लिया है। अब मैं इसको इस तरीके से ग्लू की हेल्प से पेस्ट करके एक इसको राउंड शेप देना दूंगी। इस तरीके से ठीक है। अब इसकी आईज ये बहुत ही सिंपल है बनाना, ये इस तरीके से बन गया। और ये इस तरीके से मैंने ये स्ट्रिप्स कट कर ली हैं और अब इसको भी अब आप इसमें इसको इस तरीके से इस तरीके से रोल कर देंगे ताकि इसमें कैसा शेप आ जाएगा, थोड़ा सा देखिए थोड़ा सा ये कर्ल हो गया है। अब आप इस तरीके से सबको कर्ल करेंगे। अब हम ग्लू की हेल्प से इसको पेस्ट करेंगे और ये ग्लू की हेल्प से इस तरीके से आप इसमें पेस्ट कर देंगे। अब इसके ऊपर के हिस्से को कवर करने के लिए मैंने इस तरीके से ये कोन बनाया है जिसको मैं इसके ऊपर फिक्स करने वाली हूँ। और ये इस तरीके से पेपर से मैंने क्या बनाए हैं, ऑक्टोपस बनाए हैं। आप इस तरीके से बना सकते हैं, देखिए ये बहुत अच्छी क्राफ्ट है। बच्चों को आप स्कूल में करवा सकते हैं।